Today I am going to discuss, students, the provision of the Declaration of the Rights of Man and Citizen in the French Constitution. The first article of the Constitution says it is based on the theory given by Jean-Jacques Rousseau, Men Are Born Free. Here, this article says men are born and remain free and equal in rights. They are free here, born free means freedom has been provided by nature to them by birth, and they want to be free after their birth. And secondly, all the men have rights, and there is no distinction in the consumption of, in the enjoyment of the rights. Okay, means they are equal in rights. सबको समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार इसलिए है कि वो जन्म से फ्री हैं, और ये कि यहाँ भी वो फ्री ही रहना चाहते हैं. The second article says the aim of every political association, means political parties, is the preservation of natural and inalienable rights of man. कि आदमी को जो अधिकार मिले हैं वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, बाई बर्थ, एंड इनएलिनेबल. नो एजेंसी हैज राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम देम. दीज आर इन दिस वे नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स एंड रेजिस्टेंस. ओके, दीज आर लिबर्टी. कौन से अधिकार हैं? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन. किसी भी तरह का अत्याचार या अनाचार का प्रतिकार करने का उन्हें राइट है. द थर्ड आर्टिकल सेज द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन. हर तरह की संप्रभुता कहाँ नीत है? नेशन में नीत है, राज्य में नीत है, राष्ट्र में नीत है. मीन्स इट डज नॉट रिजाइड आउटसाइड ऑफ द नेशन. ओके, सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स अनरिस्ट्रेंड बाई लॉ. एवरी सिटीजन फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉज ऑफ द कंट्री इन नेचुरल वे, एंड नो फॉरेन पावर हैज राइट टू डोमिनेट द नेशन एंड टू रूल ओवर द कंट्री एंड द पीपल. कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय द आउटसाइड पावर. दिस इज सॉवरेंटी. This is sovereignty. That is why it resides, clearly it is mentioned that is it resides only the nation. किसी विदेशी शक्ति में sovereignty नहीं है. हम अब किसी के अधीन नहीं, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं. Okay? No group or individual may exercise authority that does not come from the people. Authority is given by the people. और कोई ऐसी सत्ता देश में नहीं हो सकती जो कि पीपल ने न बनाई, लोगों ने न बनाई हो. लिबर्टी कंसिस्ट, अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 4. लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर्स टू डू व्हाट एवर, मींस वो सारी शक्तियां जो कुछ आदमी कर सकता है उसे करने का एक पावर है लिबर्टी. ओके, इज नॉट इंजरियस टू अदर्स, बट देर इज अ प्रोविजो दैट लिबर्टी वन कैन इंजॉय अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी ऑफ द अदर्स.
means no one can injure others while enjoying their own freedom and liberty. The law has the right to forbid only, another article number 5, the law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Law कुछ नहीं है, क्या है? उन actions को मना करने के लिए है जो कि समाज के लिए हितकारी न हो, injurious न हो, हानिकारी न हो, उन्हीं actions को रोकने की एक व्यवस्था है law. इसके अलावा लॉ कुछ नहीं है. आर्टिकल नंबर 6 सेज लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल. इट इज आल्सो हियर आल्सो द थ्योरी ऑफ रूसो अप्लाइज दैट पीपल पोजेस टू टाइप्स ऑफ विल्स, एक्चुअल विल्स एंड रियल विल्स. थ्रू एक्चुअल विल्स पीपल आर लेड टू डू वर्क for their own sake only, and when people doing their work and also caring for the others or doing some work, benevolent works for others, it is the real will. आदमी के अंदर दो इच्छाएं होती है, एक स्वार्थी इच्छा होती है, एक परार्थी इच्छा होती है. जब स्वार्थी इच्छा से लेड होता है तो अपने के लिए केवल काम करता है, जब परार्थी इच्छा से लेड होता है तो दूसरों का भी गौर करता है. Okay, and the general will is the collection of the real wills. Okay, so he says here, article 6 says that law is nothing but the expression of the general will, because Rousseau says that in any country there should be the rule of the general will. Saman ichha ke dwara logon ko shashit hona chahiye aur law usi ki abhivyakti hai. Clearly mentioned in the French Constitution. All citizens have right to participate in its formation. जब law बन रहा हो तो सारे citizens को इस law के बनाने में participate करना है. It is must. They may participate directly or through their representation. चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से अगर संभव हो तो आए पार्टिसिपेट करें, सहभाग करें, या तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से. ओके, ऑल सिटीजंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. बिफोर लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल. हर नागरिक देश का कानून की निगाह में समान है. देयर इज नो रिच, देयर इज नो पुअर. ओके, देयर इज no category of the persons in the eyes of law. Article 7 says no man may be accused, किसी के ऊपर किसी अपराध को करने का आरोप नहीं लगाया जाएगा. can not be arrested, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. or detained, या उसे ही can, no one can be put into jail except in cases determined by law. जब तक कि कानून के द्वारा ऐसा determined ना हो, निर्धारित ना हो, ऐसा कोई provision ना बनाया गया हो, ऐसा कोई process ना हो, ऐसा कोई rule ना बनाया गया हो. Every citizen, article 11 it is, every citizen may speak, write and print freely. कुछ भी टेस्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. हर व्यक्ति कंप्लीटली द सिटीजंस ऑफ द फ्रांस हैव बीन प्रोवाइडेड द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. शार्ली अब्दो के मैटर में, शार्ली अब्दो वाज अ न्यूज़पेपर, इज अ न्यूज़पेपर इन फ्रांस. उसने किसी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ बातें छाप दी थी. द टोटल कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड वेंट अगेंस्ट शार्ली अब्दो, बट द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस क्लियरली टोल्ड दैट आई कैन डू नथिंग इन दिस मैटर बिकॉज पीपुल आर गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
in a expression duly, I can do nothing in this matter. But there is a provision here too. He must take responsibility for the abuse of such liberty. लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, या बोल रहा है, या लिख रहा है, या कि प्रिंट करा रहा है, तो उसे ऐसी लिबर्टी के मिसयूज की जिम्मेदारी लेनी होगी. इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ, उन केसेस के मामले में जिन्हें कानून निर्धारित करे. क्लियरली इट इज टोल्ड हियर. आर्टिकल 12 सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स, आर्मी पुलिस, एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने के लिए कुछ खर्चे चाहिए. अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल, एवरीबॉडी हैज टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. ओके, इट मस्ट बी असिस्ट इक्वली ऑन ऑल सिटीजंस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मींस, कि उनके जो साधन हैं, छोटे हैं कि बड़े साधन, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्सेशन होगा, टैक्स का निर्धारण होगा. आर्टिकल 17, सिंस प्रॉपर्टी इज अ सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट्स, एक बहुत ही पवित्र और जिसका वायलेशन नहीं हो सकता, इट इज सच टाइप ऑफ राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी राइट से वंचित नहीं किया जाएगा. यू नो वेरी वेल दैट हियर प्रॉपर्टी राइट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इट वाज आर्टिकल 6, ओ इट वाज नंबर 6 आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी नंबर 6 राइट, इट वाज, बट इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द list of the fundamental rights, and now it is a legal right, means property can be attached of anybody and he will be given due compensation. Here too it is mentioned that unless a legally established public necessity requires it, jab tak ki kanuni zarurat ke according us property ko attach karne ki zarurat na ho, kisi bhi vyakti ki property ko अटैच नहीं किया जाएगा. इन दैट केस इफ प्रॉपर्टी इज अटैच्ड देन अ जस्ट कंपनसेशन मींस व्हिच इज जस्टिसेबल, न्याय उचित कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड.